मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से है। राधा तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गिरवा थाने में तैनात दरोगा सुनील और एक सिपाही की शिकायत की है। शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गिरवा थाने में तैनात दरोगा सुनील और उनके साथ में एक सिपाही शाम को उनके घर पहुंचे। उस समय घर में अकेले प्रियंका तिवारी और उनकी पुत्री मौजूद थी। दरोगा सुनील और उनके साथी सिपाही ने दरवाजा खोलने को कहा। जब पीड़िता ने दरवाजा नहीं खोला तो दरोगा ने दरवाजे को तोड़ दिया और घर के बर्तनों को तोड़फोड़ डाला। मतलब परिवारवाद थी, मेहमानदार थी, तो मतलब लड़की की ये कह रहे थे कि गेट खोल, लड़की कह रही थी कि पापा नहीं है, सब पी लेने गए हैं, आ जाएंगे तो हम बता देंगे, तो कहा नहीं अभी खोल दो। इसने जबरदस्ती की, मतलब बर्तन में लात मारा, अंदर घर में अकेली थी, उसका वीडियो बना रहे थे, बच्ची को चिल्ला रहा था, धमका रहा था, वीडियो बना रहा था और जबरदस्ती गेट में लात मार रहे थे। पुलिस आई थी, कह रहे थे पापा आगे जाएंगे, सब पी लेने गए, जब आ जाएंगे आपके दिन में आ जाना, पीड़िता राधा ने बताया कि पुत्री ने तोड़फोड़ करने से मना किया तो दरोगा और सिपाही गाली गलौज कर अभद्रता करने लगे और नाबालिग बेटी का वीडियो भी बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में मांग की गई है कि आरोपित दरोगा और सिपाही के विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए। पंचौरा न्यूज के लिए बांदा उत्तर प्रदेश से अनवर रजा की रिपोर्ट।